वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आगंतुक, जिसका मतलब है गेस्ट। आप मूवी के बारे में बात करें तो क्या ही बताऊं मैं। स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है। एक घर में एक बूढ़ी औरत का मर्डर हो जाता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव आता है। रातों रात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि किसने उस बूढ़ी औरत का मर्डर किया। लेकिन 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 स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। क्लाइमैक्स में इतना बड़ा ट्विस्ट आता है, भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। मतलब सोच के बाहर है ये मैं लास्ट में बात करूंगा। उसी तरह डायरेक्टर ने इस मूवी के जरिए से एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखना जरूर और आप ही बताओ कि मूवी कैसी लगी। तो चलिए बिना डैमेज के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही 79 इयर्स की एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है शोभा वाणी। शोभा के बगल में ही एक और बंदा सोया होता है। शोभा इस बंदे को भी नींद से जगाने लगती है। देखो 7 बज चुके हैं, जल्दी उठो, क्या काम पे नहीं जाना? देखो भाई देखो, कुछ सीखो, सुबह 7 बजे उठते हैं, ना ही कि 9:30 बजे या 10 बजे। शिट लेजी पीपल्स। खैर नींद से जागने के बाद शोभा 2 कप चाय बनाती है, इस बंदे को भी देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं इसकी जात का। शोभा बस इस बंदे को इमेजिनेशन कर रही होती है। अब शोभा के बारे में बात करें तो शोभा अपने घर में अकेली रहती है। शोभा के 2 बच्चे होते हैं, चेले का नाम है मिशोर, मे का नाम है बृष्टि। मिशोर दिल्ली में रहता है और मिष्टी फॉरेन में। इसका पति तो कब का इस दुनिया से चल बसा। और उसी तरह ये सारी की सारी बिल्डिंग शोभा की ही होती है। इस सारी बिल्डिंग में टोटली 5 किराएदार रहते हैं। जब कभी भी महीने की 1 तारीख आती, शोभा हर एक घर के पास जाकर उनसे किराया मांगती, लेकिन फिर भी वो किराएदार शोभा को पैसे नहीं देते, मतलब किराया नहीं देते इन टाइम में। और उसी तरह शोभा अपने किराएदारों से बहुत शिकायत करती रहती है, लेकिन सारे किराएदार शोभा की एक भी बात नहीं मानते, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। खैर थोड़ी देर बाद रूपा नाम की एक कामवाली बाई शोभा के घर आती है। रूपा शोभा के घर में काफी सालों से काम करती आ रही है। और आज रूपा काम करते हुए शोभा से कहने लगती है कि दादी मैं कल नहीं आ पाऊंगी, कल हमारी एरिया में गणेश की पूजा है ना, इसीलिए। शोभा कहने लगती है कि तुम तो हफ्ते में 2 या 3 बार छुट्टी लेती ही हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर। घर की साफ सफाई ढंग से नहीं करती, मुझे करना पड़ता है, ये देखो कितनी धूल है, 5 दिन से कह रही हूँ कर्टन्स धोने के लिए रखो, लेकिन तुम अपने कान पर बात ही नहीं लेती। और ऊपर से मेरे घर में तम्बाकू चबाती रहती हो, मतलब रूपा की जुबान केसरी की होती है, बोलो जुबान केसरी की। खैर इसी बात को लेकर रूपा और शोभा के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। रूपा घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शोभा खुद अपने घर से बाहर आकर देखती है तो रूपा सीढ़ियों पर ही बैठी होती है। कहने लगती है अच्छा ठीक है, गुस्सा थूक दो, अब घर के अंदर आ जाओ, मेरी दवाई दे दो। तब जाके रूपा भी शोभा के घर में एंटर होती है। एक्चुअली रूपा शोभा से बहुत प्यार करती रहती है। खैर मूवी के दरमियान में सीन से थोड़ा फ्लैशबैक में जाते रहते हैं। एक दिन जब शोभा बारिश के कारण बस स्टॉप पर खड़ी थी, इसी बस स्टॉप के पास निशित नाम का एक बंदा भी आता है। निशित शोभा को देखकर संस्कारी फ्लर्टिंग करने लगता है। सो देखते ही देखते इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, एक दूसरे से प्यार होता है। और कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शोभा प्रेग्नेंट भी होती है। पहले इन दोनों को लड़का पैदा होता है, बाद में लड़की। खैर प्रेजेंट डे पर शोभा तोमर और उसकी बीवी के घर के पास आकर टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए कहती है। मतलब तोमर की बीवी टीवी में देखकर योगा कर रही होती है। अब इस टीवी की आवाज़ शोभा को डिस्टरबेंस दे रही होती है, वही बोलने के लिए आती है। तभी वहाँ पर बैना नाम की एक और लड़की भी आती है। शोभा को इस लड़की से भी शिकायत होती है कि बैना रात रात भर पार्टी वार्टी करती रहती है। मतलब हर रोज शोभा किसी न किसी बहाने से अपने किराएदारों के पास जाकर कोई न कोई बात को लेकर शिकायत करती रहती है, और वो किराएदार शोभा की बात को केयर ही नहीं करते। रात होने के बाद शोभा खुद अपने बेटे को कॉल करती है उसका हालचाल पूछने के लिए, और ये भी पूछने लगती है कि इस साल तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए। मिशोर कहने लगता है नहीं माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी नेक्स्ट वेकेशन पर हम यूरोप जाने वाले हैं माँ, तुम बृष्टि के पास चली जाओ माँ, वो कितनी दिनों से आपको बुला रही है। लेकिन शोभा मना करती रहती है। उसके बाद मिशोर अपनी माँ से ये कहने लगता है क्या शेखर ने आपको घर के बारे में कुछ बताया? शोभा कहने लगती है हाँ मैंने शेखर से बात कर ली। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाद में करूँगी। मतलब यहाँ पर शोभा खुद अपने बच्चों को कॉल करती रहती है। उसके बाद शोभा रूपा को कॉल करके ये पूछने लगती है कि आप कौन सी दवाई खानी है, लाल वाली या पीली वाली। सो रूपा शोभा को दवाई के बारे में बताने लगती है। मतलब शोभा को ये भी याद नहीं रहता कि कौन सी टैबलेट कब खानी है। खैर दूसरे दिन शेखर जो शोभा का रिलेटिव होता है वो एक ब्रोकर को इस बिल्डिंग के अंदर लाता है। इस सारे बिल्डिंग के वैल्यूएशन दिखाने लगता है। अब ये चीज ऊपर से शोभा देख लेती है। शेखर से पूछने लगती है कि वो बंदा कौन है, तुम उसको मेरा घर क्यों दिखा रहे हो। लेकिन शेखर शोभा को झूठ कहने लगता है कि ये बस ऐसे ही आया।
कुछ पेड़ वगैरह देखने के लिए। हर दूसरे दिन शोभा को यह एहसास होता है कि इसके घर में कोई आया। शोभा फौरन पुलिस को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि सर मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई आया, मेरे किराएदार मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। लेकिन पुलिस वाले शोभा की बातों को इग्नोर करने लगते हैं। उसके बाद टेरेस पर कुछ आवाजें आने पर शोभा जब टेरेस पर जाती है तो वहाँ पर बैना अपने दोनों दोस्तों के साथ स्मोक ड्रिंकिंग वगैरह करती रहती है और बैना के वो दो दोस्त लड़के होते हैं। तो शोभा इन तीनों को डांटते हुए टेरेस से नीचे भेज देती है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा कि टेरेस पर मत आया करो और तुम हमेशा लड़कों के साथ क्यों होती हो। उसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है, मतलब मिशोर कॉलेज जा रहा होता है और बृष्टि स्कूल। तो शोभा और निशित ये दोनों अपने दोनों बच्चों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा मिशोर इतना बड़ा हो चुका है, ये बाहर खाना खा रहा है। सो इसी बातों के दरमियान निशित थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और थोड़ी देर बाद निशित अपने बेटे के पास बैठे हुए ही ये इस दुनिया से चला जाता है। मतलब निशित को हार्ट स्ट्रोक आने की वजह से हंसते हंसते इस दुनिया से चला जाता है। इस तरह से बेचारी शोभा कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। निशित मरने के बाद शोभा अपने दोनों बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। खैर प्रेजेंट डे पर शोभा चाय वगैरह पीने के लिए एक कैफे आती है और इसी तरह शोभा को डायबिटीज होने के बावजूद भी ये मीठा केक खाने लगती है। उसके बाद घर वापसी में बृष्टि शोभा को कॉल करती है और कहने लगती है कि माँ मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप मेरे पास आ जाओ लेकिन आप मानती ही नहीं। यहाँ पर बेबी सीटर रखना बहुत ही एक्सपेंसिव है माँ। मतलब बृष्टि अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए शोभा को अपने पास बुला रही होती है लेकिन इस उम्र में शोभा खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती तो अब बच्चों को क्या देखेगी। इसीलिए शोभा बृष्टि के पास जाने से मना करती रहती है। उसी रास्ते में लकीली रूपा नजर आती है। रूपा और शोभा एक टैक्सी के जरिए से अपने घर चले आते हैं। खैर दूसरे दिन रूपा मीना नाम की एक ब्यूटी पार्लर लड़की को घर लाती है लेकिन शॉकिंगली बहुत देर घंटी बजाने के बावजूद भी शोभा अपना दरवाजा ओपन नहीं करती। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा होते हैं। बहुत ही मुश्किल से दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो ये लोग ये देखते हैं कि शोभा अपने कानों में ईयरफोन्स रखकर गाना सुन रही है, डांस कर रही है। तब जाके रूपा को तसल्ली आती है कि शोभा सही सलामत है। उसके बाद मीना शोभा के नेल्स वगैरह काटते हुए शोभा से काफी सारे सवाल पूछने लगती है, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो, आपके बच्चे कहाँ पर है, ब्ला 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 ब्ला। दूसरे दिन शोभा के घर के पास ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। इत्तेफाक से वो बाल शोभा के घर में आके गिरने लगता है। विंडो की कांच और बर्तन टूटने की वजह से शोभा की नींद टूट जाती है। उस बॉल की वजह से और बर्तन ना टूटे शोभा फौरन उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। शाम होने के बाद जब रूपा दोबारा शोभा के घर आती है, शोभा अपना दरवाजा ओपन नहीं करती। रूपा दोबारा सारे लोगों को बुलाने लगती है। सारे लोग जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो एक चेयर पर शोभा की लाश होती है और इसी तरह शोभा के माथे से खून बहने लगता है। ये देखकर बेचारी रूपा बहुत रोने लगती है। उसके बाद वहाँ के किराएदार मिशोर को कॉल करके यही बात बताने लगते हैं। उसके बाद पुलिस को भी कॉल करते हैं। अब उस वक्त जबरदस्त बारिश होने की वजह से पुलिस ये कहने लगती है कि हमको आने में थोड़ा लेट होगा। सो थोड़ी देर बाद शोभा के घर एक बूढ़ा आदमी और एक बच्ची आते हैं। वो बूढ़ा आदमी रूपा को देखकर कहने लगता है कि बाहर बहुत बारिश है, थोड़ी देर शेल्टर के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। अब रूपा इस बूढ़े आदमी का चेहरा देखकर शॉक में रह जाती है क्योंकि इसका चेहरा हूबहू निशित से मिलता जुलता है। सो रूपा इन दोनों से कहने लगती है कि वहाँ पर दादी माँ की लाश है, दादी माँ मर चुकी है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी शोभा के पास जाता है, कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करने लगता है। तभी वहाँ पर एक किराएदार डॉक्टर आकर इस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि आप कौन हो। ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मेरा नाम सानियाल है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, ये मेरी साथी शोमलता। डॉक्टर पूछने लगता है क्या पुलिस ने आपको भेजा। सानियाल कहने लगता है कि किसने भेजा ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं सही टाइम पर आया ये इम्पोर्टेंट है। खैर इस बिल्डिंग में जो जो लोग रहते हैं उन सारे लोगों को बुलाइए, मुझे पूछताछ करनी है, इन टाइम में मुझे रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को सबमिट करना है। इस तरह से सारे लोग आने पर सानियाल उन सारे लोगों को हॉल में बिठाता है। उसके बाद सानियाल और शोमलता दोबारा उस घर की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। इसी में सानियाल शोभा के लैपटॉप के पास एक कटोरे में शीरनी को देखता है। शक होता है कि इस मिठाई में जहर मिलाया होगा। और इसी तरह अलमारी की तलाशी लेने पर शोमलता को कुछ डॉक्यूमेंट्स नजर आते हैं। लैपटॉप चेक करने पर यह बात पता चलती है कि शोभा इस उम्र में भी अपने बारे में ब्लॉग लिखती है। उसके बाद सानियाल बाहर आकर इन सारे लोगों से ये पूछने लगता है कि लाश को पहले किसने देखा। सारे लोग कहने लगते हैं कि सर एक्चुअली अंदर से दरवाजा बंद था, हम सारे लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो हमको दादी की लाश नजर आई। और जब सानियाल इस डोर के लॉक को देखता है तो ये बात पता चलती है कि ये डोर अंदर से और बाहर से लॉक किया जा सकता है।
सो सारी चीजों को ऑब्जर्व करके सान्याल इन सारे लोगों से कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने शोभा का मर्डर किया। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। उसके बाद सान्याल रूपा को बुलाकर पूछने पर यह बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले शोभा को हार्ट स्ट्रोक आया था। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब शोभा को हार्ट स्ट्रोक आया था इसका रिलेटिव शेखर और रूपा ने ही शोभा को हॉस्पिटल ले गए थे और तभी शोभा ये देखती है कि इसके पास जो दारू की बोतलें हैं वो खाली है। उस टाइम शंभू नाम का एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड था। शोभा शंभू को बुलाकर यही पूछने लगती है क्या तुमने मेरे बोतलों को खाली किया, क्योंकि सारे बिल्डिंग की चाबी तुम्हारे पास ही होती है। जब मैं हॉस्पिटल गई थी क्या तुम मेरे घर में आए? शंभू साफ मना करने लगता है कि मैंने तुम्हारे माल को नहीं चुराया, ऐसे झूठे इल्जाम मत डालो मुझ पर। इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा होने लगता है और शंभू बूढ़ी औरत भी ना समझकर शोभा को गालियां देने लगता है। अब वहीं पर रूपा होने की वजह से शंभू को घर से बाहर ढकेल देती है। इसी वजह से शोभा ने शंभू को काम से निकाल दिया। प्रेजेंट डे पर सान्याल और शोमलता को डस्टबिन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मिलता है। सो ये पेपर बैना को दिखाकर पूछने लगते हैं कि क्या है ये। मतलब कुछ दिनों पहले शोभा ने बैना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की। मतलब एक रात बैना और उसके दो फ्रेंड्स आधी रात तक अपने घर में पार्टी किया करते थे, म्यूजिक चलाया करते थे। शोभा यही बात बैना के पास आकर पूछने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारे इस म्यूजिक से। लेकिन वो तीनों दारू की हालत में शोभा को ही अनाप शनाप बककर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए शोभा ने सोच लिया कि ये बैना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट देगी लेकिन दे नहीं पाई। प्रेजेंट पर सान्याल बैना को डांटने लगता है कि वो तुमसे उम्र में बड़ी है, क्या सीनियर सिटीजन को तुम लोग ऐसे ही रेस्पेक्ट देते हो? शुक्र है शोभा ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं दी। और इसी तरह सारे लोगों से ये पूछने लगता है कि शोभा के पास कुछ शिरनी बची है, किसने दिया वो? डॉक्टर कहने लगता है कि वो शिरनी तो हम सारे लोग खाए, हमको कुछ नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि उस शिरनी में जहर मिलाया गया? सान्याल कहने लगता है कि ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस तरफ घर में शेखर चोरी छुपके शोभा के कमरे में आकर अलमारी से कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुराने लगता है। लेकिन तभी ये चीज लकीली शोमलता और सान्याल देख लेते हैं। तो शेखर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन दोनों को बताने लगता है। एक्चुअली शेखर और इस घर के टेनेंट्स इस बिल्डिंग को बेचने का प्लान किया था। इसका रेट लगा था 1,70,00,000 में। तो ये सारे किराएदार डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन डॉक्यूमेंट्स में अपने अपने सिग्नेचर कर लिए थे। मतलब इन सारे किराएदारों को एक एक फ्लैट मिलेगा। सो ये लोग शोभा के पास आकर शोभा के भी सिग्नेचर मांगने लगते हैं, लेकिन शोभा टोटली इनकार कर देती है कि ये मेरा घर है, मैं क्यों बेचूंगी। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ही ऐसा करने के लिए कहा और तुम हमारे ऊपर चिल्ला रही हो, खड़ूस बुढ़िया कहेगी। दूसरे दिन शोभा मिशोर को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि कल सारे टेनेंट्स मेरे पास आकर मेरी साइन लेने की कोशिश की। एक्चुअली मिशोर खुद इस घर को बेचना चाहता है। कहने लगता है कि माँ बहुत ही अच्छी डील है, आपको 50,00,000 मिलेंगे। लेकिन शोभा किसी भी हालत में अपना घर बेचना नहीं चाहती, क्योंकि इस घर में शोभा की बहुत सारी यादें बसी है, इसका पुरखों का घर है। अब वहीं पर रूपा होने की वजह से रूपा शोभा से कहने लगती है कि दादी क्या हम पुलिस स्टेशन चले उन सारे लोगों के बारे में पुलिस रिपोर्ट लिखवाने के लिए? शोभा कहने लगती है नहीं रूपा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, रहने दो तुम। इस तरह से बेचारी दुखी होने लगती है। प्रेजेंट डे पर सान्याल ये अंदाजा लगाने लगता है कि किसने शोभा को मारा होगा और मोटिव क्या हो सकता है। सान्याल हर एक पर शक करने लगता है क्योंकि हर एक के पास शोभा को मारने का एक मोटिव है। खैर थोड़ी देर बाद शोभा का बेटा मिशोर शोभा के घर आता है, अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सान्याल मिशोर से पूछने लगता है कि आप लास्ट टाइम अपनी माँ को देखने के लिए कब आए थे? मिशोर कहने लगता है 3 साल पहले। एक्चुअली सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, काम ही इतना होता है। मैंने अपनी माँ को कहा कि ये घर बेच के मेरी बहन के पास चली जाए, लेकिन मेरी माँ ना मेरी बात मानी ना मेरी बहन की। उसके बाद मिशोर पूछने लगता है कि आपने कहा कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया, कौन मार सकता है मेरी माँ को? सान्याल कहने लगता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद सान्याल शोभा के लैपटॉप में इसका लिखा हुआ एक आर्टिकल दिखाने लगता है। शोभा लिखती है कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, मुझे हमेशा पता नहीं किस बात का डर लगा रहता है, सही तरह से नींद नहीं आती मुझे, मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। और एक्चुअली कुछ दिनों पहले शोभा का हैप्पी बर्थडे था। शोभा केक मंगवा कर यह इंतजार करती है कि 12 बजे मेरे दो बच्चे मुझे वीडियो कॉल करेंगे, मुझे विश करेंगे, मैं यहाँ पर केक काटूंगी और वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह से 12 बजने का इंतजार करती रहती है, लेकिन कोई भी इसको कॉल नहीं करता। देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं। खैर इसी आर्टिकल के दौरान शोभा ने उस डॉक्टर के बारे में भी लिखा था। एक दिन शोभा ने ये देखा कि जब उस डॉक्टर की बीवी अपने घर में मौजूद नहीं थी,
वो डॉक्टर दूसरी लड़की को अपने घर ले आया और ये चीज शोभा ने देखा। सो बिना हिचकिचाए शोभा उस डॉक्टर के घर जाकर उस डॉक्टर को डांटने लगती है कि तुम मेरे घर में ऐसी हरकतें मत करो, क्या है ये सब। सो डॉक्टर का भी एक मोटिव हो सकता है शोभा को मारने का। दूसरे आर्टिकल में शोभा अपने टेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रही होती है। एक्चुअली शोभा अपने किराएदारों को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। दिन भर शोभा अपने घर में अकेली रहती है, इसके साथ कोई बात करने नहीं आता, इसीलिए शोभा जानबूझकर अपने किराएदारों के पास जाकर बात करने की कोशिश करती है ताकि इसी बहाने से कोई शोभा से बात करे। मुझे पता है कोई भी किराएदार टाइम पर मेरा किराया नहीं देता, लेकिन मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं हर एक किराएदार के बारे में जानती हूँ, उनकी इनकम के बारे में भी जानती हूँ। वो लोग मुझे किराया देर से दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मेरी केयरिंग को वो लोग गुस्सा समझते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं रहते, मैं किससे बात करूं? मिशोर हमेशा काम में बिजी रहता है। इस तरह से शोभा ने अपने किराएदारों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखी होती है। ये सब जानने के बाद सान्याल इन सारे लोगों से कहने लगता है कि शोभा का कत्ल तुम सारे लोगों ने ही किया, पहले से ही वो बूढ़ी औरत अकेली थी और तुम लोग उसको और जताने लगे कि वो अकेली है, बेबस, लाचार है। तुम लोगों के पास थोड़ा भी टाइम नहीं कि शोभा के पास जाकर थोड़ी देर बात करे? तुम लोग तो अपने बच्चों को भी शोभा के पास भेजना बंद कर दिया। जब बुढ़ापा आता है बूढ़े लोग कैसा फील करते हैं क्या आपको पता है? बूढ़े लोग यही इंतजार में होते हैं कि कोई इनके पास आएगा, थोड़ी देर बात करेगा, लेकिन तुम लोग हमेशा शोभा को दूर ही रखते रहे। खैर, मेरा बोलने का मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम होगा, असली कातिल के बारे में तब पता चलेगा। इस तरह से सान्याल उन सारे लोगों को समझाकर बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद शोभनता सान्याल से पूछने लगती है कि वो बूढ़ी औरत कैसे मरी। सान्याल कहने लगता है कि एक्चुअली जब बच्चे बॉल खेल रहे थे, बॉल शोभा के घर में आके गिरा और शायद सडनली आवाज आने पर शोभा को हार्ट स्ट्रोक आया होगा, नीचे गिर के शायद मर गई होगी। हर एक्चुअली यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली सान्याल कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं होता, शोभनता सान्याल की पोती होती है। रात को जबरदस्त बारिश होने पर इन दोनों को शोभा का घर नजर आया, इसके घर में घुस गए शेल्टर लेने के लिए। अब रात बिताने के लिए वहाँ पर इन दोनों ने टाइम पास किया बस मटर वटर का नाटक करके। तो जब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आती है। बैकग्राउंड में डायरेक्टर हमको ये बात बताने लगता है कि शोभा की मौत ना ही हार्ट स्ट्रोक से हुई, ना बाल की वजह से हुई, ना शीरनी में पॉइजन से हुई। एक्चुअली शोभा मरे ही नहीं इसकी जात का। मतलब डायरेक्टर ये कहने लगता है कि काश ऐसा होता, शोभा उस वक्त मर जाती, एक स्ट्रेंजर आकर सारे लोगों को सीनियर सिटीजन की अहमियत समझाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हर कहानी एक ही जैसी नहीं होती ना, इसलिए मैंने इस कहानी को ऐसे लिखा। बच्चों ने क्रिकेट तो खेला, बॉल शोभा के घर में आके गिरा, दोबारा शोभा ने इस बॉल को बच्चों को दे दिया। इस तरह से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, शोभा वॉकिंग पर जा रही होती है। मतलब इस डायरेक्टर ने हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया। अबे साले, अप्रैल का भी महीना नहीं, अक्टूबर में कौन सा फूल बनाया हमको? मतलब क्या है ये BSD के? एंडिंग देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, ओ भाई साहब कहाँ है वो डायरेक्टर, इसकी जात का। मतलब प्रैंक करने के लिए हम ऑडियंस ही मिले? आप लोगों को तो पता नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा कटा भाई साहब। मतलब ऐसा कोई प्रैंक करता है भला? बुढ़िया मरी नहीं और हमको ये दिखाया कि बुढ़िया मर गई, इसका मर्डर हो गया, कोई स्ट्रेंजर आया, बाल मेरा लोडू ललित। मैं वचन लेता हूँ आज के बाद से इस डायरेक्टर की मूवी नहीं देखूंगा। मूवी के जरिए से प्रैंक कौन करता है बे? अबे साले कहीं पर मिल तू, माफ करना गुस्से में इधर उधर हो जाता है। तो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। साला दिमाग खराब करके रख दिया।